नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दैनिक जानकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपने जात निवास या आय का आवेदन किया है तो उसकी स्थिति किस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने आवेदन कर दिया और आपका प्रमाण पत्र बनने में देरी होता है। तो यहाँ पे आप अपने आवेदन की स्थिति देखकर और रिलेटेड कर्मचारी से चाहे तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ क्रोम ब्राउज़र में। तो चलिए हम चलते हैं आपको लेकर के क्रोम ब्राउज़र में और स्टेप बाय स्टेप बतलाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये क्रोम ब्राउज़र है, हम सिंपली इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद से इसके सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने चूँकि पहले से टाइप कर रखा है तो इसलिए यहाँ पर आ गया ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। और इस प्रकार सिंपली आपको भी ऐसे टाइप करना है, टाइप करने के बाद से यहाँ से सर्च कर लेना है। सर्च करते के साथ गाइस देखिए, ये जो है ऑफिशियल पोर्टल है ई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से एक दूसरा पेज हमारे सामने में खुल के आएगा। तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन शो कर रहा है कोविड-19 से रिलेटेड, तो सिंपली हम इसे इग्नोर कर देंगे। और उसके बाद से देखिएगा तो ये होम पेज है और इस प्रकार नीचे की तरफ जाइएगा तो आप फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन की स्थिति। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से गाइस देखिए यहाँ पर लिख रहा है इंटर एप्लीकेंट नंबर। तो हम यहाँ पे जो हमने आवेदन किया था तो वहाँ पे जो एप्लीकेंट नंबर मिला था, चलिए हम एक बार उसको दिखा देते हैं एप्लीकेंट नंबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने आवेदन किया था और आवेदन करने के बाद से ये हमें रिसीविंग के तौर पे हमने प्रिंट कराया था इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन संख्या लिखा हुआ है 21189 और ऐसे समथिंग करके लास्ट का डिजिट है इसका 15। तो सिंपली हमें इसी डिजिट को वहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद से सर्च करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद से सिंपली यहाँ पे जो सर्च का आइकन बना है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते के साथ देखिए यहाँ पे हमारा जो डिटेल में विवरण है वो आ चुका है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेवा का नाम, आय प्रमाण पत्र, आवेदन हमने किया था तो ये आवेदन संख्या है। उसके बाद से आवेदक का नाम साहबू नेसा और पिता पति का नाम में हनीफ अंसारी लिखा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा है विवरण हेतु क्लिक करें। तो इसका आप डिटेल में जानना चाहते हैं विवरण, तो विवरण हेतु क्लिक करें वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद से डिटेल में इसका हम डेट देखते हैं कि किस डेट को किसके पास फॉरवर्ड किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वशिष्ठ वर्मा लिखा हुआ है एक नंबर पर, जो कि सहज जन सेवा वाले हैं। इनके यहाँ से हमने आवेदन किया था 22/5/21 को, जो राम प्यारे को पहुँचा हुआ था, जो कि तहसीलदार हैं। उसके बाद से राम प्यारे यानी कि तहसीलदार सेकेंड नंबर पे, इन्होंने मनोज कुमार जो कि लेखपाल हैं उनको फॉरवर्ड किया था 23 तारीख को और ये हमारा आवेदन की स्थिति है। अब किसी कंडीशन में यदि हमारा यहाँ पे होल्ड हो जाता है लंबे समय तक, तो हम अपने जो हमारे लेखपाल हैं उनसे संपर्क करके और रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर जो है कि हमारा आवेदन पर आप रिपोर्ट लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स यह था हमारा वीडियो, इस प्रकार आप भी अपने आवेदन की स्थिति को जाँच कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।